हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो। तो दोस्तों, आज अपने पास आए एक्टिवा 3G, ब्लैक कलर है। तो इसका अपन फुल डेंटिंग पेंटिंग का काम करेंगे। तो अभी आपको गाड़ी कंडीशन दिखा रहे हैं। गाड़ी इस टाइप से दिख रहा है, पूरी पैनल में स्क्रेचेस है, डेंट है और कहीं कहीं पर रस्टिंग भी पकड़ा हुआ है। इसको पूरा खोल के अपन डेंट पेंट का काम करेंगे। तो आपको फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे पेंटिंग प्रोसीजर का वीडियो। तो अभी तो फिलहाल आप गाड़ी का कंडीशन देख लीजिए, चारों तरफ आपको दिखा दिए। फिर इस गाड़ी को खोलेंगे, खोलने के बाद फिर इसमें डेंट करेंगे। तो ये है गाड़ी का कंडीशन, ब्लैक कलर है, बहुत प्यारा लगता है कलर। तो अपना इसमें इनर कवर को भी पेंट करेंगे, डिक्स को भी पेंट करेंगे, इसका मतलब पूरी गाड़ी को पेंट करेंगे। तो आपको इनर कवर दिखाते हैं। इसका इनर कवर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब पुराना हो चुका है, देख सकते हो। डैशबोर्ड इनर कवर तो बहुत पुराना हो चुका है, तो इसको अपन डेल ब्लैक मारेंगे। तो दोस्तों, ये अपना डेंट का काम हो चुका है, पुट्टी भी लगा चुके थे, गिताई उसाई पूरा हो गया है कंप्लीट। अब इसमें पेंटिंग का काम कर रहे हैं अपन। इसमें अपन सक्सेसल कोट मार रहे हैं, उसके बाद इसमें अपन सक्सेसल कोटिंग मारने के बाद सूखेगा आधा घंटा। आधा घंटा सूखाने के बाद फिर इसमें से पुट्टी डाल के फिर इसको घिसाई करेंगे अपन 600 नंबर वाटर पेपर से। घिसाई करने के बाद फिर इसमें अपन बेस कोट मारेंगे। तो अभी अपन इसे सरफेसल मार रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें सरफेसल कोटिंग कर रहे हैं अपन। तो बने रहे वीडियो में, देख फाइनल आपको गाड़ी दिखाएंगे कैसा दिखता है। तो इसमें अपन अभी तो सरफेसल मार रहे हैं, फर्स्ट कोटिंग है जो पुट्टी के लिए अपने को ढकने के लिए इसको मारना पड़ता है, और थोड़ा बहुत स्क्रेचेस रहता है वो दब जाता है इससे। तो लगभग अपना सरफेसल का काम हो चुका है, आप देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत खाली बचा है कार्टनल, ये फुटबोर्ड पट्टी बचा है। क्या है, इसमें पेंटिंग के काम में बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है, तो अपने को लंबा वीडियो भी बनाना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र होता है काम इसका, क्योंकि तुरंत इसमें काम होता नहीं है, बहुत समय लगता है इस काम में। तो अपन बेस कोट मार रहे हैं इसमें। अब बेस कोट मारने के बाद फिर इसको अपन वही पुष्टि जा रही कि आधा घंटा इसको छोड़ेंगे, फिर इसको अपन रब करेंगे 600 नंबर वाटर पेपर से रब करने के बाद। तो लगभग ये अपना सरफेसल का काम तो हो चुका था, इसमें फेस कोट का काम कर रहे हैं अपन। पेंटिंग का काम ही थोड़ा सा बहुत लंबा वाला है, क्योंकि इसमें तुरंत तो काम होता नहीं है, करीब एक गाड़ी को फाइनल करने में अपने को 2.5 से 3 दिन लगता है, क्योंकि
जो समय बहुत ज़्यादा लगता है। इस वजह से क्या है कि वीडियो बहुत लंबा लंबा बनाना पड़ जाता है। अगर आपको पूरा चीज़ नहीं दिखाएंगे, फिर भी इसमें बहुत सा चीज़ को ऐसा है कि अपन मेंशन नहीं करते हैं। अगर बहुत सा चीज़ को ऐसे अगर डालें इसमें तो वीडियो करीब घंटा भर के भी हो जाएगा। अपन जो मेन मेन पार्ट होता है उसी को डालते हैं, चाहे बाकी तो आप समझ सकते हो आप लोग सब। देश का नाम करीब हो गया है, देश हो जाने के बाद इसको अपन 600 नंबर वाट के ऊपर से सेंडिंग करने के बाद फिर इसको फाइनल कलर मारेंगे इसमें अपन। ये फुटबोर्ड पट्टी बचा हुआ है, इसको भी अपन मार रहे हैं। इसको लोअर पैनल भी बोलते हैं, फुटबोर्ड पट्टी भी बोलते हैं अपनी तरफ। लगभग ये इसका भी काम हो चुका है। ये लगभग अपना दो पट्टी बचा था, तो ये अपना फाइनल कलर अब लगा रहे हैं इसमें अपन। ब्लैक कलर है तो अपन बाहर नहीं मार रहे हैं, अंदर में मार रहे हैं सेट अंदर, क्योंकि ब्लैक कलर में थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भी कुछ पड़ जाता है तो दिखने लगता है, इसलिए इसको अपन सेट अंदर मार रहे हैं ताकि कि बढ़िया हो जाए, कोई परेशानी ना हो। के बाद इसमें अपन क्लियर कोट चला, ब्लैक कलर में तो बहुत ज़्यादा ही संभाल के मारना पड़ता है, बाकी कलर में उतना टेंशन नहीं रहता है, पर ब्लैक में बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें थोड़ा सा भी कहीं पे रहेगा क्लियर पड़ने के बाद खराब दिखता है, इसमें डस्ट भी पड़ जाएगा तो भी क्लियर मारने से अंदर दिखता है, अच्छा नहीं दिखता। वाइजर है वो फाइबर का है, अगर ज़्यादा प्रेशर से मारेंगे तो गिर भी जाएगा, इसलिए तो थोड़ा आराम से मारना है। ये छोटा छोटा पीस है फाइबर का, और इसमें अपन क्लियर को चढ़ा रहे हैं फाइनली। We'll be right back.
देर कुक हो जाने के बाद इसको अपन एक दिन सूखने के लिए छोड़ देंगे, दूसरा दिन इसको कुकिंग करेंगे, फिर गाड़ी से धोएंगे ताकि ये पूरा कलर अच्छे से सेट हो जाएगा। देख रहे हैं थोड़ा सा कि दाना से नहीं आ रहा है क्योंकि मटेरियल कलर है। काफी समय लगता है क्लियर मारने में भी। क्लियर अगर सही नहीं मारोगे तो शाइनिंग सही नहीं दिखेगा, इसलिए क्लियर कोट को एकदम हिसाब से मारना पड़ता है कि बहे भी मत और अच्छे से गिरेगा, क्योंकि कलर को एक ही बार में फाइनल सही शेप देना पड़ता है, तो दोबारा कर नहीं सकते हैं तुरंत, इसलिए इसमें थोड़ा सा सावधानी बरत के मारना पड़ता है। लगभग क्लियर कोट का काम अपना फाइनल होने वाला है, छोटा छोटा आइटम बचा है मात्र। Thank you.
हो, ये गाड़ी फिटिंग हो चुका है। अब गाड़ी इस टाइप से लगता है देखने में, बहुत सुंदर दिख रहा है। ये मोनो भी लगा दिए इसमें अपन, आओ ना, स्पीकर नहीं लगाए थे अब लगा दिए हैं। निकलवा दूंगा ना जी, तो ये गाड़ी का फाइनल निकलवा दूंगा, आप देख सकते हो गाड़ी अपने पास आया लोगों ना, मेरा जवाबदारी था। और अभी कुछ अलग दिख रहा है, हाँ देखिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कोई नई गाड़ी के साथ।